चुनाव की कहानियाँ, चुनाव की कहानियाँ। ये कहानी है दिल्ली चुनाव कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी बीडी की, जिनका ड्यूटी के प्रति समर्पण और निष्ठा सभी के लिए एक मिसाल है। अरे बड़ा मुस्कुरा रहे हो, इलेक्शन अफसर के कमरे में घुसते हुए शर्मा साहब ने कहा। अफसर साहब कुछ मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, आते ही बीड़ी जी के हाथ की चाय पीने की इतनी खराब आदत लग चुकी है कि किसी और के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती, और अपनी धुन में कई बार मैं उनको आवाज़ ही लगाता रहता हूँ और फिर एहसास होता है अपनी बेवकूफ़ी का और अपनी जाति याददाश्त का। बीड़ी साहब तो रिटायर होकर घर पर आराम कर रहे होंगे, पर कई बार ये भी विचार आता है कि उनके जैसा व्यक्ति क्या आराम कर सकता है। वो रोज़ यहाँ सुबह सबके आने से पहले पहुँच जाते, मजाल है 30 सालों में कभी लेट हुए हूँ। कार्यालय की हर चीज़ जो चमक रही है वो बीड़ी की चमकाई हुई है। हर चीज़ को सलीके से अपने ठिकाने पर रखना बीड़ी के स्वभाव का हिस्सा था। इस कार्यालय के सख्त पहरेदार थे बीड़ी, जो इस देश के प्रजातंत्र की नींव है चुनाव का हक, उसे सुव्यवस्थित तरीके से कराने के लिए दिन रात एक करते थे बीड़ी। दिन को और काम को सुव्यवस्थित रखते थे। अगर वो दिन रात एक करते हैं तो हमारे बीड़ी भी उनके साथ आकाश में सूरज से चांद आने तक का सफर तय करते। पिछले 30 सालों में अफसर तो 8 बदल चुके हैं, पर हमारे बीड़ी वही रहे। हर अफसर को समझते, उनका ख्याल रखते। मंजर तो तब देखने लायक होता था जब चुनाव के दौरान ऐसा लगता कि बीड़ी के पैरों में पहिए लग गए हैं। 5 से 7 किलोमीटर तो दफ्तर में इधर से उधर चलकर ही हो जाते थे उनके। नींद और थकान तो बीड़ी के पास फटकती भी नहीं थी। 14 से 15 घंटे तो वो बिना रुके काम करते थे, और इन्हीं के काम से औरों का काम चलता था, क्योंकि काम करने के लिए ईंधन तो यही देते थे, कभी चाय के रूप में तो कभी कॉफी के रूप में, तो कभी कभार तो वो घर के बड़े की तरह सबका ख्याल रखते। छुपे हुए नायक हैं हमारे बीड़ी, हर चुनाव की गाड़ी दौड़ाने वाले और छुप कर रहने वाले बीड़ी। शर्मा जी मन मन मुस्कुराते हुए सर हिलाकर हामी भरते रहे। चुनाव की मशीनरी के बीड़ी एक अभिन्न अंग हैं। हम सब भी लोकतंत्र की पूरी मशीनरी का एक अंग हैं। क्या हमें इसमें भाग नहीं लेना चाहिए?